गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पटेल सराज बच्चों का पटेल क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 गणित में सीमा व अवकलज पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्नावली 13A में क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन हो चुके थे। बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। 6 का जो पहला पार्ट है स्टूडेंट्स, वो है लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x -1 -x होल अपॉन x स्क्वायर। इसका आपको मान निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए बेटा कि जो आपका ये दिया हुआ है, इसमें e पावर x का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। क्लियर ना? सबसे पहले आप इसको रखिए, इसका फार्मूला रखेंगे 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट -1 -x। क्लियर है? अपान में आपका x स्क्वायर है, मतलब ये कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए, ये 1 से ये 1 कट रहा है, ये x से x कट रहा है, कट गया। अब यहां पर हम लोग करेंगे क्या, यहां देखिए कॉमन क्या मिल रहा है आपका, जो यहां से कॉमन मिल रहा है आपका x स्क्वायर, वो आप बाहर कर लीजिए। उसके बाहर किया तो यहाँ पर 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल आया, प्लस यहाँ 3 थे, यहाँ 2 कर दिया, x अपॉन 3 फैक्टोरियल आएगा। इसके बाद सब में x आएगा, सभी में x आएगा, क्लियर है? और अपॉन में क्या है, x स्क्वायर। अब x स्क्वायर की काट दो, अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहां पर भी x आएगा वहां पर 0 हो जाएगा, यहां पर सारे टर्म्स में 0 x है तो 0 हो जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल मतलब होता है 2 into 1, मतलब कितना हुआ, 1 upon 1 क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन पूरा क्लियर होता है। कपड़ा धो लिया। इसके बाद जो है बेटा, क्लियर है ये क्वेश्चन पूरा? अब देखिए इसका सेकंड पार्ट है, वो क्या है, सेकंड पार्ट कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि इसका सेकंड पार्ट नहीं है, सिक्स का केवल एक ही था, सिक्स में केवल एक ही था। सेवन के अंदर दो पार्ट हैं। सेवन में पहला कह रहा है आपका लिमिट x टेंडिंग टू -1 x पावर 10 प्लस x पावर 5 प्लस 1 बाई x -1। बेटा यहां देखिए, जहां पे x आपको दिखेगा वहां क्या करना है, -1 करना है। बेटा लिमिट डायरेक्ट ले अप्लाई करो, यहां क्या है, x दिया -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 प्लस 1 बाय -x -1। तो -x से ये -1 फिर ये -1, क्लियर है? माइनस की पावर अगर सम संख्या होती है, इवन नंबर होता है तो प्लस में आंसर आता है, और 1 की पावर कुछ भी हो वन ही आए तो इसका आंसर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये ऑड नंबर है, नेगेटिव आ गया माइनस, यहां क्या है प्लस पावर बाय -1 -1 माइनस का 2। अब बताइए प्लस माइनस से कट गया, कितना आया, प्लस का 1 बाय माइनस का 2 प्लस माइनस -1 बाय 2। बेटा ये आपका आंसर हो गया, बस समझ आई? तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आपको कर लेना है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है इसी का, वो देखिए सेकंड पार्ट है, वो आपका है लिमिट टाइम है ना, कितना हो टाइम 4 चलिए हो जाएगा sin थीटा बाय 4 अपॉन थीटा। बेटा देख रहे हैं, या फॉर्मूला देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x y x इक्वल 1 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि x टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, sin साथ में x है, मीटर बटन में x है, यहां बना आएगा, क्लियर है? यहां पर देखिए, यहां थीटा का जो 0 है, यहां sin थीटा बाय 4 है, यहां थीटा बाय 4 कर देंगे कोई दिक्कत नहीं, थीटा बाय 4 टेन टू 0 कर देगा, थीटा इक्वल टेन टू 0 हो जाएगा। यहां पर थीटा बाय 4 है, यहां पर थीटा क्यों है, यहां पर थीटा बाय 4 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थीटा बाय 4 बनाने के लिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर थीटा बाय 4 कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर देखिए sin थीटा बाय 4 अपान में थीटा है, बाय 4 करने के लिए 4 4 से भाग करते हैं, क्लियर है?
यहां से देखिए कितना आपका फॉर्मूला बन गया। तो ये देखिए अपान हो रहा है, इसे अपान अपान बाहर कर दो, 1/4 तो बचा क्या, लिमिट थीटा बाय 4 टेंडिंग टू 0। ध्यान दीजिए यहां पर थीटा टेंडिंग टू 0 का सब तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर sin थीटा बाय 4 अपान थीटा बाय 4। अब चेक कीजिए थी x है सेम है, तो जब ये सेम होता है टेंडिंग टू 0 है तो कितना आंसर आएगा, 1 आएगा, यानी कि 1/4 मल्टीप्लाई 1 बेटा कितना आ गया 1/4। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको इसके क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। और बच्चों अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको एक एक क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से मिले। और लाइक और कमेंट करना